हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहतो आयर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। और मैं फिर से इकोने वीडियो साथ आ चुका हूं फ्रेंड। और गाइस यार बता दो कि फाइनली गाइस पबजी मोबाइल का प्ले स्टोर का गाइस यहां पे जो आप लोग का 2.2 वर्जन का अपडेट है वो गाइस यहां पे आ चुका है। तो अगर गाइस आप लोग को पबजी मोबाइल को यहां पे अपडेट करना है गूगल प्ले स्टोर वाला, तो गाइस यार आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे गाइस यार आप लोग को प्ले स्टोर वाला गाइस यहां पे जो 2.2 वर्जन का अपडेट है वो गाइस यहां पे देखने को मिल जाएगा। और बाकी अगर यहां पे बता दो कि अगर आप लोग इंडिया से मेरा वीडियो देख रहे हो तो गाइस आप भी आप लोग पबजी मोबाइल को अपडेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि गाइस यहां पे कल आप लोगों को जब ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट आ जाएगा उसके बाद ही गाइस आप लोग का बिना वीपीएन के चलेगा। बाकी अब यहां पे चलो पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन के बारे में बात करते हैं। तो देख सकते हो गाइस यहां पे पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन के अंदर भी फाइनली गाइस यहां पे मेरा जो अपडेट है वो गाइस यहां पे गूगल प्ले स्टोर के अंदर आ चुका है। और गाइस यार यहां पे जल्दी से इसको यहां पे मैं अपडेट पे लगाता हूं और उसके बाद गाइस यहां पे आगे बात करता हूं कि गाइस अगर मान लीजिए आप लोगों को पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन इंडिया से गाइस यहां पे खेलना है तो आप लोग कैसे खेल सकते हो और गाइस यार इसको आप लोग कैसे यहां पे अपडेट कर सकते हो। तो गाइस यार यहां पे देख सकते हो मैं अपडेट में लगा चुका हूं 2.2 वर्जन को। और बाकी यहां पे बता दूं कि अगर मान लीजिए आप लोगों को खुद से गाइस इसको यहां पे अपडेट करना है तो गाइस यार आप लोगों को यहां पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गाइस यहां पे एक जीमेल आईडी आप लोगों को बना लेना पड़ेगा। या तो गाइस आप लोग जापान कंट्री का बनाइए या फिर गाइस आप लोग यहां पे क्या कर सकते हो कि पबजी मतलब यहां पे कोरिया का एक आप लोगों को यहां पे जीमेल आईडी बनाना पड़ेगा। और गाइस यार इसके लिए मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि पांडा वीपीएन गाइस आप लोग यहां पे कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस ये सबसे बेस्ट आप लोगों का वीपीएन है और इसमें गाइस आप लोगों का जो जापान कंट्री रहता है वो गाइस यहां पे अवेलेबल है। तो बस गाइस आप लोग क्या करना है कि यहां पे गाइस वीपीएन कनेक्ट कर लेना जापान का और उसके बाद गाइस एक जीमेल आईडी आप लोगों को बना लेना जापान का और उसके बाद गाइस आप लोगों को सीधा प्ले स्टोर के अंदर चले जाना पड़ेगा और वहां पे गाइस आप लोगों को जो पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन रहता है वो गाइस यहां पे गूगल प्ले स्टोर के अंदर आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद गाइस आप लोगों को यहां पे बता दूं कि आगे का जितना भी आप लोगों का प्रोसेस रहेगा सारा प्रोसेस गाइस आप लोगों को एक बार बस यहां पे वीपीएन लगा के करना पड़ेगा, ताकि गाइस आप लोग बिना कोई प्रॉब्लम के बिना वीपीएन के जो पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन है उसको आप लोग यहां पे खेल पाइए। और बाकी अगर आप लोगों को इसका यहां पे लिंक चाहिए तो अगर मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी गाइस अपना यहां पे जो पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन का 2.2 वर्जन का जो यहां पे एपीके है और साथ में गाइस यहां पे जो आप लोग का ओवीवी फाइल है दोनों गाइस यहां पे मैं डाल चुका हूं। तो चाहो तो गाइस आप लोग जाकर वहां से गाइस ये जो लिंक है उसको आप लोग ले सकते हो। और अगर मान लीजिए गाइस आप लोग यहां पे जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया उससे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर पा रहे होगे तो आप लोग गाइस डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर गाइस यहां पे सर्च कर सकते हो मोत वायरस गेमिंग और डायरेक्ट गाइस आप लोगों को वहां पे गाइस मिल जाएगा मेरा जो चैनल रहता है वो। और वहां पे गाइस यार आप लोगों को जितना भी लिंक रहता है सारा लिंक गाइस वहां पे मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो चाहो तो गाइस वहां से आप लोग डायरेक्ट यहां पे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग गाइस पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन के अंदर फर्स्ट टाइम गाइस यहां पे न्यू आईडी अगर आप लोग बना रहे होगे तो आप लोग गाइस यहां पे ध्यान रखना है कि आप लोग गाइस स्टार्टिंग में यहां पे या तो जापान या फिर गाइस कोरिया से यहां पे कनेक्ट करके ही बनाना पड़ेगा। अगर गाइस यहां पे आप लोग बिना वीपीएन के न्यू आईडी बनाने का कोशिश कीजिएगा तो गाइस बता दूं कि आप लोग का न्यू आईडी यहां पे नहीं बनेगा, क्योंकि गाइस यहां पे आप लोग का ये जो पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन है ये गाइस बस केआर और जापान के लिए ही अवेलेबल रहता है। तो इस कारण से गाइस आप लोग को यहां पे वीपीएन लगाना ही पड़ेगा, तभी जाकर गाइस आप लोग को यहां पे न्यू आईडी बनेगा पबजी मोबाइल केआर के अंदर। और मान लीजिए गाइस आप लोग यहां पे कोरिया वाला गाइस यहां पे मतलब यहां पे रीजन पे आईडी बनाना तो गाइस आप लोग कोरिया से कनेक्ट करके रखिएगा और वहीं गाइस अगर आप लोग को जापान वाला आईडी बनाना तो आप लोग जापान से कनेक्ट करके रखिएगा। और बाकी गाइस एक चीज का यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि गूगल प्ले स्टोर यानी कि जो आप लोग का जीमेल आईडी रहता है उसी से गाइस आप लोग यहां पे अपना मतलब न्यू अकाउंट को यहां पे लॉगिन कीजिएगा, क्योंकि गाइस सबसे बेस्ट एंड सेफ गाइस ऑप्शन आप लोग पास यही रहता है कि गूगल प्ले स्टोर वाला जो आईडी रहता है उसी से आप लोग गेम को लॉगिन कीजिए। और बाकी अगर यहां पे देख सकते हो मैंने अपडेट कर लिया और क्या यार अब आप लोग यहां पे देख सकते हो 2.2 वर्जन पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन के आप मतलब अंदर में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और बाकी यहां पे देख सकते हो अपडेट का रिवार्ड भी मेरे को मिल चुका है। अब चलो गाइस आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन बिना वीपीएन के इंडिया में चल रहा है या फिर नहीं। तो चलो गाइस यार इसके लिए आप लोग सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आप लोग यहां पे वीपीएन है इसको यहां पे जल्दी से मैं हटा देता हूं और उसके बाद गाइस यहां पे अगर आप लोग को अच्छे से बिना कोई प्रॉब्लम के बिना कोई लेग के गाइस आप लोगों को गेम को खेलना है
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो DNS चेंजर करके का एप्लीकेशन आता है, जहां से आप लोग सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट कर लेना है। और जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे बता दूं कि बिना कोई प्रॉब्लम के जो आप लोग का गेम है वो यहाँ पे बिना VPN के चलेगा। और बता दूं कि जो DNS चेंजर रहता है इसको यहाँ पे PUBG मोबाइल खुद बोलता है कि आप लोग अगर मान लीजिए लेग वगैरह गेम में ज्यादा होता है तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं, और इससे कोई भी बैन वगैरह आप लोग को नहीं पड़ता है। तो चाहो तो गाइस डायरेक्ट आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाकर DNS चेंजर नाम करके एक एप्लीकेशन रहता है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि गाइस बिना कोई प्रॉब्लम के आप लोग PUBG मोबाइल कोरिया वर्जन को यहाँ पे देख सकते हो, आराम से यहाँ पे खेल सकते हो। और गाइस आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ के साथ भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि मेरा गाइस यहाँ पे जो PUBG मोबाइल कोरिया वर्जन है ये बिना गाइस यहाँ पे देख सकते हो VPN के ओपन हो चुका है, और आराम से गाइस यहाँ पे मैं चाहूँ तो कोई भी मैच वगैरह खेल सकता हूँ। और गाइस यहाँ पे जो पिंग वगैरह रहता है वो भी गाइस आप लोग का बिल्कुल नॉर्मल आएगा एशिया रीजन के अंदर। तो यही था गाइस आप लोग का कंप्लीट अपडेट, और साथ में गाइस कंप्लीट लाइव प्रोसेस के साथ आप लोगों को बता दिया कि कैसे गाइस आप लोगों को यहाँ पे अपडेट करना है। बाकी अगर आप लोगों को यहाँ पे टैप एप्लीकेशन का गाइस यहाँ पे लिंक चाहिए, तो अभी फिलहाल के लिए गाइस टैप एप्लीकेशन के अंदर अपडेट तो नहीं आया, लेकिन गाइस मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो चाहो तो गाइस वहां पे से भी आप लोग डायरेक्ट अपडेट कर सकते हो जब भी अपडेट आ जाएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।